अरे इसने खाया नहीं अभी तक। बहू हमने सहरी कर ली। जी अम्मी कर ली है। अच्छा पता नहीं। छोड़े अम्मा ये बताएं अपने हाथ की मीठी पूरियां कब खिलानी है। तो इफ्तारी पे बनाती हूँ ना, खाओगे आप लोग? इफ्तारी इज अ गुड आइडिया। बहू असर हो गई? हाँ अम्मा अभी तो पढ़ी आपने। अच्छा चलो आ जाओ ना पूरियां बनाते हैं। इनके दादा को भी बहुत पसंद थी। आपकी कॉल आई है। मुझे एहसास है तो दिल के पास है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। जैसे मीठे पूरी तो दादू ने बनाई थी। गुड़ की मिठास है, भूलती है तू मगर मुझको फर फर याद है। रिश्तों में मीजान निभाने का एहसास है, रिश्तों में मीजान निभाने का एहसास है। वाह क्या पूरियां बनाई, मजा आ गया। वो मैंने तो बेटा बहुत अच्छी बनाई है अम्मा, मुझे कब सिखा रही है? अरे बेटा जब कहो सिखा दूंगी, बहुत आसान होती है। इस रमजान रखें रिश्तों की लाज, करें दिलों को आबाद। मीजान के साथ हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। सॉरी मम्मी जी, पीटीए था ना इसलिए लेट हो गया। मैं दो मिनट में लंच रेडी करती हूँ। नॉनवेज आपने बनाया? थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू मम्मी। इंडिया के किचन्स बदल रहे हैं और बदल गया है इंडिया का डालडा, जो बना है चुनिंदा सोयाबीन बीज से। पेश है नए जमाने का नया डालडा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। अस्सलामुअलैकुम बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हम तुम्हारे नए घर खाना खाने आ रहे। अम्मी वो सहरी तो अभी कुछ बनाया भी नहीं। अच्छा हम पहुंच चुके हैं, दरवाजा खोलो। अम्मी हम उनको क्या खिलाएंगे, हमारे घर तुम्हारी अम्मी पहली दफा आ रही है। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वाह वाह बहुत भूख लगी, खाने में क्या पक्का है? अम्मी आज शहर ने कुछ नहीं बनाया। लाजमी नहीं है कि हर बार बहू ही खाना पकाए। रिश्तों की हथेली पे प्यार बन के दोनों मुस्कुराए, जिंदगी की बाहों में थोड़ा थोड़ा दोनों साथ आए। साथ तेरा साथ है, संग संग जीने में स्वाद। ऑफिस या घर, जरूरत है एक दूसरे के साथ का, वक्त है हाथ बटाने का। सिल्वर कॉइन चकी फ्रेश आटा, हर रोटी ताकत भरी। इस बार मम्मी ने बचा लिया है, अगली बार बर्थडे याद रखना। हीरा देने वालों का दिल भी हीरे जैसा होता है।
नजर आना। माँ जी आप यहाँ क्यों? अपने बेटे के घर आ नहीं सकती मैं? नहीं नहीं, हम तो कब से यही चाह रहे थे। आइए ना, मैं अभी उन्हें फोन करके बुला देती हूँ। नहीं, मैं तुमसे ही बात करने आई हूँ। आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। नफीसा जी, चिंगड़ी मच्छर मलाई करी बना रही हो? जी कोशिश कर रही थी, आपके जैसा बंगाली खाना तो नहीं बना पाती। क्यों? वो कहते हैं कि आपके हाथों में जादू है। को 3 बजे और कहाँ होंगी? ऑब्वियसली ऑफिस में ना। जिस दिन तुमसे सीधे सीधे जवाब मिलेगा ना, उस दिन मिठाई बांटूंगी। लंच किया? नहीं अभी नहीं। I'm real. Of course, तुम तो बिजी हो। आप कैसे हो? जिगी वाली दवाइयाँ तुमने भेजी है क्या? आ गई। हाँ मैंने ऑर्डर की थी जिगी से, उसमें आपकी इस महीने की सारी दवाइयाँ हैं, चेक कर लेना। क्या हुआ? इतना सब कुछ होने के बाद भी मोहन माँ, मेरा डिवोर्स आपके बेटे से हुआ है, आपसे नहीं ना। गॉसिप सुनना है? मम्मी आंटी है ना, फिर से पीने लग गए। मैंने आपको बोला था ना, वो नहीं सुधर सकती है। मैं नेक्स्ट वीक आऊँ क्या? मामी जी, दोस्ती के नाम कुछ मीठा हो जाए। कल ही मेरा ससुराल में प्रवेश हुआ, नया घर, नए लोग, नए रिवाज, ऊपर से मायके में सब औरतों ने बताया था सास से जरा बच के रहना। आज सुबह ही सासू माँ जोर से चिल्लाई, बहू जरा किचन संभालो। डर के मारे मैंने किचन में अलमारी खोली तो माँ की याद आ गई, अंदर रेंटी और दाल जो थी। तभी सासू माँ ने सर पर हाथ रख के कहा, क्यों बेटा, सास माँ नहीं होती क्या? रेंटियो, देसी रिश्तों की हेल्दी पसंद। एक पैंट, दो शर्ट, ठीक है। एक और नाम जबान पर खुद खुद आ ही जाता है। गरम मसाला ऊपर के शेल्फ में पीला डब्बा। बहू जी, थैंक यू। नई साड़ी के लिए? नई साड़ी माँ जी? उबाल आने पर तुमने आज धीमी कर दी। खाना भी तुम बर्तन ढककर पका रही हो, इससे सिलेंडर ज्यादा दिन चलेगा और हम सालाना गैस बिल पर 1,500 रुपए तक बचाएंगे। मतलब आ गई ना तुम्हारी तरफ से नई साड़ी। बात तो आखिर एक ही है ना बेटा। This tip was brought to you by TCRA. Save fuel, यानी save money.